आज आप देखते हैं कि हमारी एक तकरीर पर अगर शाम में 6 बजे या 9 बजे जो टीवी के एंकर बैठते हैं उनको हमारी कोई तकरीर का जुमला मिल जाता है, एक एक घंटा 3-3 घंटे माशाल्लाह चलाते हैं। मगर भारत के एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक टीवी के कॉन्क्लेव में जाकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अदलिया के बारे में कहा, जुडिशियरी इज इन रैम शैकल्स, कोर्ट को जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा वहां, क्या मिलेगा। अरे गोगई एमपी साहब, अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, बोल सकते हैं, उनको कोई कंटेम नहीं होता, बोल सकते हैं, अरे गोगई, ए गोगई, मिस्टर गोगई एंड एमपी, क्या गोगई का वो बयान, अगर मैं कह देता कि भारत की जुडिशियरी इज इन रैम शैकल्स, तो पूरे टीवी चैनल भारत के, पूरे टीवी चैनल दिन रात कोई चलाते, देखो एक और भड़काऊ भाषण दे दिया, अब तो इसको अदलिया पे, जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या बात है, वैसी चौहूब चलाते, बाजा बजाते। अगर मैं ये बात बोलता तो अब तक मेरे 10-15 शादियां करा दे टीवी चैनल वाले, और शादी को चाहे वो कोई भी रहो, ये देखो ऐसा बोले, गोगोई बोला तो कुछ नहीं, जुडिशियरी इज इन रैम शैकल। अच्छा अच्छा गोगोई साहब, हाँ गोगोई क्या बोला सुनो, बोल सकते हो उसको, अब जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अब लॉर्डशिप नहीं बोल सकते उनको, अभी नहीं है ना, उन्हों आम आदमी हो गए, उन्हों ऊंची कुर्सी बैठ जाए बोलेंगे माई लॉर्ड मी लॉर्ड, अब नहीं बोल सकते, आओ गोगोई बोलेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉरपोरेट लोग जिनके पास करोड़ों रुपये है, वो करोड़ों रुपये की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा, गरीब मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, एक सिख को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसके बाप के गले में जलता हुआ टायर डाला गया था दिल्ली की सरजमीन पर, उस सिख को जिसके खून से दिल्ली की सरजमीन को लाल किया गया था, उस दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा महज इस बिना पर कि वो अपनी शादी पे घोड़े पे निकलता है या मूंछ छोड़ता है, उसको मारा जाता है, उस दलित बच्ची से इंसाफ नहीं मिलेगा जिसको खेतों में ले जाकर एक एक नहीं 5-5 लोग रेप करके उसको खतल कर देते हैं, उस आदिवासी को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके घरों को जमीन को लूटा जा रहा है, उस आदिवासी एमपी को इंसाफ नहीं मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव और उनकी नाटों की वजह से, उसके जुल्म की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। बताओ गोगोई तुम क्या कहना चाह रहे हो। और शायद गोगोई ने देखा होगा, जानता भी है गोगोई, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने कहा था कि जब गुजरात जल रहा है तो वहां का चीफ मिनिस्टर नीरो की तरह बांसुरी बजा रहा है, यही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एमपीज को, एमएलएस को, इलेक्शन लड़ने वालों से कहा कि तुमको अपने खिलाफ जो क्रिमिनल केस है दिखाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे जमात के जिम्मेदारों, मेरे नौजवान जियालो, अब हमको अपने काम में और तेजी पैदा करना है, हमको भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। और मैं एक बात यह भी बताना जरूरी समझता हूं, ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि आज आप देखते हैं कि हमारी एक तकरीर पर अगर शाम में 6 बजे या 9 बजे जो टीवी के एंकर बैठते हैं उनको हमारी कोई तकरीर का जुमला मिल जाता है, एक एक घंटा 3-3 घंटे माशाल्लाह चलाते हैं। मगर भारत के एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक टीवी के कॉन्क्लेव में जाकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अदलिया के बारे में कहा, जुडिशियरी इज इन रैम शैकल्स, कोर्ट को जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा वहां, क्या मिलेगा, वो तो खाली कॉरपोरेट लोगों को
जिनके पास करोड़ रुपया है, अरे गोगोई एमपी साहब अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, बोल सकते उनको, कोई कंटेम नहीं होता, बोल सकते अरे गोगोई, ए गोगोई, मिस्टर गोगोई एंड एमपी। क्या गोगोई का वो बयान, अगर मैं कह देता कि भारत की जुडिशियरी इज इन रैम शैकल्स, तो पूरे टीवी चैनल भारत के, पूरे टीवी चैनल दिन रात वही चलाते, देखो एक और भड़काऊ भाषण दे दिया, अब तो इसको अदलिया पे, जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या बात है, वैसी चौहूब चलाते, बाजा बजाते, एक एक टीवी एंकर अपने आप को चीफ जस्टिस बना लेता। मगर गोगोई बोला उनका है, उनका प्यारा है, उनका निराला है, उनका दुलारा है, अपना बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बोले गोगोई, जुडिशियरी इज इन रैम शैकल। अच्छा रैम शैकल का मतलब उर्दू में देखा मैं, उर्दू की डिक्शनरी निकाला तो रैम शैकल का मतलब, रैम शैकल का मतलब यह है खराब, बर्बाद शुदा, शिकस्ता, खस्ता हाल। अगर मैं ये बात बोलता तो अब तक मेरे 10-15 शादियां करा दे टीवी चैनल वाले, और शादी को चाहे वो कोई भी रहो, ये देखो ऐसा बोले, गोगोई बोला तो कुछ नहीं, जुडिशियरी इज इन रैम शैकल। अच्छा अच्छा गोगोई साहब, हाँ गोगोई क्या बोला सुनो, बोल सकते हो उसको, अब जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अब लॉर्डशिप नहीं बोल सकते उनको, अभी नहीं है ना, उन्हों आम आदमी हो गए, उन्हों ऊंची कुर्सी बैठ जाए बोलेंगे माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, अब नहीं बोल सकते, आओ गोगोई बोलेंगे, रंजन गोगोई उनका नाम है। क्या कहा उन्होंने कि गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता, गोगोई गरीब भारत में कौन है, मुसलमान है, सिख है, दलित है, आदिवासी है, हमारे हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीब हैं, ओबीसी भाइयों में गरीब हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के गरीब अदालत से इंसाफ की उम्मीद खत्म कर लें, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉरपोरेट लोग जिनके पास करोड़ों रुपये है, वो करोड़ों रुपये की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा, गरीब मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, एक सिख को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसकी आंखों के सामने उसके बाप के गले में जलता हुआ टायर डाला गया था दिल्ली की सरजमीन पर, उस सिख को जिसके खून से दिल्ली की सरजमीन को लाल किया गया था, उस दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा महज इस बिना पर कि वो अपनी शादी पे घोड़े पे निकलता है या मूंछ छोड़ता है उसको मारा जाता है, उस दलित बच्ची से इंसाफ नहीं मिलेगा जिसको खेतों में ले जाकर एक एक नहीं 5-5 लोग रेप करके उसको खतल कर देते हैं, उस आदिवासी को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके घरों को जमीन को लूटा जा रहा है, उस आदिवासी एमपी को इंसाफ नहीं मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव और उनकी नाटों की वजह से, उसके जुल्म की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। बताओ गोगोई तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैं दारुसलाम की सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं कि हमको जमहूरियत पे भरोसा है और रहेगा, हमको अदालत पर भरोसा है और रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और रहेगा। मगर ये कैसा चीफ जस्टिस था साबिका, और नरेंद्र मोदी जी आपने कैसे आदमी को एमपी बना दिया, प्राइम मिनिस्टर आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने ऐसे आदमी को अपॉइंट किया, सेलेक्ट किया जो खुद चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठा था, आज कह रहा है एमपी बन के अदालत में कुछ नहीं होता, रैम शैकल है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे गोगोई को क्यों बनाए मोदी जी आप, आपको कोई और नहीं मिला, क्यों मिला गोगोई, हां मैं जानता हूं गोगोई को क्यों बनाए आप, मगर ऐसे आदमी को बनाए। अच्छा आप देखिए दुनिया के मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्लार्क कनिंगम विलियम होबार्ट ने क्या कहा था भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड,
और शायद गोगोई ने देखा होगा, जानता भी है गोगोई, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने कहा था कि जब गुजरात जल रहा है तो वहां का चीफ मिनिस्टर नीरो की तरह बांसुरी बजा रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एमपीज को, एमएलएस को, इलेक्शन लड़ने वालों से कहा कि तुमको अपने खिलाफ जो क्रिमिनल केस है दिखाना पड़ेगा। यकीनन सुप्रीम कोर्ट में कमजोरियां हैं, मगर एक साबिका चीफ जस्टिस बोलेगा आए कुछ नहीं, कोई भरोसा नहीं, कैसा होगा, और कोई कंटेम नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई टीवी पे प्रोग्राम नहीं, ना 6 बजे ना 9 बजे, कुछ नहीं, क्योंकि गोगोई उनका है और वो ऐसी गैर है, ये इनकी सियासत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अच्छा गोगोई ने क्या कहा, कहता है कि हमको $5 ट्रिलियन की इकॉनमी चाहिए, मगर हमारे पास वी वॉन्ट अ 5 ट्रिलियन इकॉनमी बट वी हैव अ रैम शैकल जुडिशियरी। अरे गोगोई, जुडिशियरी अदलिया का काम इकॉनमी को चलाना नहीं है, जुडिशियरी का काम इंसाफ दिलाना है, इंसाफ। जुडिशियरी का काम ये नहीं है $5 ट्रिलियन इकॉनमी 20% हो जाए, 10% GDP हो जाए, जुडिशियरी का काम इंसाफ दिलाना है। ये ऐसे आदमी को हमारे भारत के वजीर आजम ने इसको MP बनाया है। अच्छा और एक बात हम ये पूछना चाह रहे गोगोई साहब से, आप जब बैठे थे आपने जुडिशियरी को अनशैकल करने के लिए क्या किया, आपने कुछ तो किया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। आज आप बताइए कि एक साबिका चीफ जस्टिस जिसको नरेंद्र मोदी ने MP बनाया, उनकी गवर्नमेंट ने बनाया, अब कोई दीवाना भक्त बोलेगा मोदी जी नहीं बनाए, प्रेसिडेंट बनाया। अरे दीवाने, कॉन्स्टिट्यूशन पर जाके गवर्नमेंट की सिफारिश पर सदर जमहूरिया MP बनाते हैं, ये इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। अब तो बाज वक्त ऐसा भी लिखता है कि कैसे कैसे लोग कहां कहां पहुंच जाएंगे।